Welcome to the fifth part of the video series, and we are discussing the chapter electricity. In the previous videos we have discussed Ohm's law and resistance. We have also solved certain numericals related to that. We have seen the graph of Ohm's law also. In this video we will discuss about the topic factors affecting resistance. We already know what a resistance is, so today we are going to discuss what are the factors which affect resistance. See, we know that resistance is a property of a material to oppose the flow of current. ये current को oppose करता है due to collision. हम लोग पढ़े थे collision के कारण तार के अंदर जो एटम्स होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली फ्लो नहीं होने देता है. बार 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 इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, उन एटम्स से कोलाइड करता है, जिसके कारण प्रोड्यूस होता है रेजिस्टेंस. एंड द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इज आर इक्वल टू वी बाई आई फ्रॉम ओम्स लॉ. नाउ वी विल डिस्कस द फैक्टर्स. अब सपोज करो हमारे पास वी हैव टू वायर्स, वन ब्लैक वायर वन ब्लू वायर, and the its length is L and its length is 2L. एक L length का है, 2L length का है. And same current is flowing through both the wires. And yes, the area of the cross section of both the wires are same. दोनों का area जो है वो बराबर, means दोनों तार जो है वो एक मोटाई का है, ठीक है, और दोनों में एक ही जैसा current भी जा रहा है, suppose 1 ampere, 1 ampere, ठीक है. अब दोनों में से लेंथ का सिर्फ अंतर है. अब आप बताइए करंट किस में ज़्यादा देर तक कोलाइड करेगा. एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना है तो करंट को परेशानी किस वायर में होगा ज़्यादा. रेजिस्टेंस इसमें भी है, रेजिस्टेंस तो इसमें भी है. वी ऑल नो दैट द मटेरियल इज मेड अप ऑफ एटम्स. मोर द नंबर ऑफ एटम्स मोर विल बी द कॉलिजन. जितना ज्यादा एटम्स होगा उतना ज्यादा क्या होगा, कॉलिजन. करंट इधर से आ रहा है, मींस इलेक्ट्रॉन किधर से आ रहा है, इधर से. तो इलेक्ट्रॉन जब आ रहा है तो वो क्या करेगा, कोलाइड करेगा और फाइनली बाहर निकल जाएगा. इसमें जब इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ भी कोलाइड करेगा, कॉलिजन होगा. ये एटम्स से वो कोलाइड करता रहेगा, कोलाइड करते 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 ज़्यादा लंबा रास्ता तक वो कोलाइड करेगा, तब जाके वो फाइनली बाहर निकलेगा. तो जिसका लेंथ 2L है वहाँ ज़्यादा कॉलिजन हो रहा है, मीन्स वहाँ पे रुकावट भी ज़्यादा है. सो वी कैन से दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर. जितना लंबा तार होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा. अब सपोज करो हमारे पास दो वायर है और दोनों इस बार इक्वल लेंथ का है, एल एल. लास्ट केस में क्या था, अलग अलग लेंथ का था, ठीक है. नाउ वी हैव टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ बट दिस टाइम द एरिया इज डिफरेंट, द क्रॉस सेक्शन एरिया इज डिफरेंट. एक का एरिया ए, एक का एरिया 2A. एक ज़्यादा मोटा तार है, एक पतला तार है. अब बताओ किसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, किसमें कम रेजिस्टेंस होगा. तो इसको समझो कि ये वायर नहीं है, दिस इज़ अ पाइप, एंड इस पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, दोनों में. अब बताओ किसमें ज़्यादा पानी फ्लो करेगा, अगर इसको हम कनेक्ट कर दें टैंक से, पानी का टंकी से कनेक्ट कर दें, ठीक है, और इसको भी पानी का टंकी से कनेक्ट कर दें. तो और इधर आप एक बकेट लगा दीजिए, ठीक है, नीचे में यहाँ पे एक बकेट लगा दी, बाल्टी. रास्ता कौन सा बाल्टी जल्दी भरेगा. इसमें पानी ज़्यादा निकलेगा पर यूनिट टाइम देखा जाए तो, इसमें पानी इसके मुकाबले ज़्यादा गिरेगा. इसमें पानी धीरे 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 करके भरेगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटपुट इज मोर, मीन्स जो पानी निकल रहा है वो ज़्यादा मिल रहा है पर यूनिट टाइम. अगर देखा जाए एक सेकंड में यहाँ कितना निकला, एक सेकंड में यहाँ कितना निकला, तो पता चलेगा कि यहाँ पे वाटर जो है वो हाई वॉल्यूम का वाटर बाहर आया है, ठीक है, ज़्यादा पानी आया है. उसी तरह करंट के साथ भी होता है. मोटा वायर में करंट ज़्यादा आउटपुट निकलता है, हायर रेट से फ्लो करता है, ठीक है. तो जब करंट ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ओम्स लॉ को
याद करो तेज बच्चा है तुम लोग, याद करो आर इक्वल टू वी बाई आई। इस अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, करंट का अपोजिट होता है ना। तो जिसमें करंट ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। तो करंट ज्यादा किसमें था, मोटा वाला तार में। तो मोटा वाला तार में अगर करंट ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि अगर वायर, इफ द वायर इज ऑफ लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका रेजिस्टेंस, इसमें अगर करंट ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। पतला पाइप में करंट क्या होगा, कम। आउटपुट करंट कितना होगा, कम, जैसे पानी कम गिर रहा था। तो यहाँ जब करंट कम है, अगर ये करंट कम हो गया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा, उल्टा है ना, इनवर्स रिलेशन। तो यहाँ बोलेंगे कि रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो इससे पता चला कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है वायर का तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम, उल्टा है ना। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो कंक्लूजन क्या निकला, थिकर द वायर लेसर विल बी द रेजिस्टेंस। सुंदर से हैंडराइटिंग में लिख दिए, इससे अच्छा नहीं लिख पाएंगे, नोट कर लो। जितना थिक वायर होगा उतना लेस रेजिस्टेंस होगा, छोटा। जितना मोटा तार उतना कम रेजिस्टेंस। तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसको मान लो ये इक्वेशन है टू, ये इक्वेशन था वन, दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो प्रोपोर्शनल टू एल, दूसरा है आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, ठीक है, दोनों को कंबाइन कर दें। अब क्या करेंगे, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाएंगे। फिर बोलोगे सर फिर आप कांस्टेंट कांस्टेंट करिएगा, हाँ एक कांस्टेंट इंसर्ट। तो चलो इसको इक्वल टू में बदल दिए, एक कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, रो, ठीक है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। आर इज द रेजिस्टेंस, एल इज द लेंथ ऑफ द वायर, ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड रो इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टिविटी, ठीक है, रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी है, इट इज अ कांस्टेंट एंड दिस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल। तो एक बेहतरीन फॉर्मूला निकल के आया रेजिस्टेंस का, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। सो द फैक्टर्स आर लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड मटेरियल ऑफ द वायर। किस तरह का वायर आप यूज़ कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। अब देखो रो क्या है, सिर्फ लिख देने से नहीं होगा ना, इसको समझो। रेजिस्टिविटी होता क्या है, अगर लेंथ को 1 मीटर कर दिए, तार का लंबाई को कितना कर दिए, 1 मीटर, और मोटाई को, एरिया को भी कर दिए 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, दोनों को वन वन कर दिए। तो जब दोनों वन वन हो गया, लेंथ भी और एरिया भी, उस टाइम क्या निकल के आया कि आर इज इक्वल टू रो, मतलब रेजिस्टिविटी कुछ नहीं है जब बल्कि रेजिस्टेंस ही है। कब का रेजिस्टेंस, जब तार 1 मीटर लंबा हो, यूनिट लेंथ, और 1 मीटर स्क्वायर इसका अगर एरिया हो, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, ये रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन है। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई अ यूनिट लेंथ ऑफ वायर हैविंग यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। जब लेंथ भी यूनिट हो, क्रॉस सेक्शनल भी यूनिट हो, उस टाइम जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो वायर, उसको कहा जाएगा रेजिस्टिविटी। एक चीज़ और था कि डिपेंड्स ऑन मटेरियल, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होगा, बट अगर आप मटेरियल को ही चेंज कर दें, जैसे कॉपर से एल्युमिनियम वायर ले लिए,
तभी रेसिस्टिविटी चेंज होगा, नहीं तो रेसिस्टिविटी इज अ कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल. वी आर गोइंग टू डिस्कस द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी. इसका एसआई यूनिट क्या होगा, कैसे निकालेंगे फॉर्मूला से? आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए. व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? ओम. ये है ओम, ये सिंबल. व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ? मीटर. व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया? मीटर स्क्वायर. मीटर से मीटर मर गया, ये मीटर इधर आ गया, क्या बन गया? ओम मीटर. सो द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर. ठीक है, अब देखो ये सिंबल तो जान पहचाना हुआ है, जाना पहचाना. दिस इज द सिंबल ऑफ ओम, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. अगर इसको ये आदमी धकेल के उल्टा कर दिया, इसको इन्वर्ट ऐसे, तो ये ओम का उल्टा हो गया. ओम का उल्टा क्या होगा? मो. सो मो इज ऑल्सो एसआई यूनिट. रेजिस्टेंस का उल्टा, द अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस. रेजिस्टेंस होता है कि करंट को कितना रुकावट हो रहा है, मिल रहा है, जबकि कंडक्टेंस होता है कि करंट को कितना अलाउ किया जा रहा है, जस्ट अपोजिट. यू विल फाइंड अ लिस्ट ऑफ रेजिस्टिविटीज ऑफ सर्टेन मटेरियल इन योर बुक, बट इसको आपको याद करने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. बहुत बच्चे क्या करते हैं, रटना शुरू कर देते हैं. ये आपको न्यूमेरिकल में इट विल बी गिवन, सो यू डोंट नीड टू लर्न इट. दीज वैल्यूज विल बी गिवन इन योर न्यूमेरिकल. इससे आप एक बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि द रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर इज लेसर देन रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर. मतलब अगर एक मीटर का कॉपर का वायर हो और एक मीटर का सिल्वर का वायर हो, तो सिल्वर वाले का रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, है ना. एक मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वही तो रेजिस्टिविटी होता है, अगर एरिया वन हो तो यूनिट. सो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, सबसे कम रेजिस्टेंस है उसका, अच्छा है वो कंपेयर टू कॉपर एंड एल्यूमिनियम. वी यूज सिल्वर वायर्स इन सोलर पैनल्स बिकॉज ऑफ लो रेजिस्टेंस. कॉपर वायर्स आर यूज्ड इन हाउस वायरिंग्स. वी ऑल्सो यूज समटाइम्स एल्यूमिनियम वायर्स, बट कॉपर इज अ बेटर ऑप्शन. एक छोटा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर्टेन सिंबल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स. किसी सर्किट में पर्टिकुलर चीज को, डिवाइस को सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. हर बार मेरे जैसा ड्राइंग बनाना पॉसिबल नहीं है, सो वी यूज सिंबल्स. ठीक है, फर्स्ट वन इज योर सेल, यू ऑल नो द सिंबल इज लाइक दैट. सेकेंड इज द स्विच, दिस इज ऑफ, द स्विच इन ऑफ कंडीशन, एंड दिस इज अ स्विच इन ऑन कंडीशन व्हेन बोथ द टर्मिनल्स आर इन कॉन्टैक्ट. थर्ड इज वोल्ट मीटर, एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड वोल्ट मीटर. द सिंबल इज लाइक दिस. नेक्स्ट इज एमीटर, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द करंट. सिंबल इज लाइक दिस. नेक्स्ट इज क्रॉसिंग ऑफ वायर. अगर दो तार क्रॉस कर रहे हो एक दूसरे को बिना टच किए, तो उसको ऐसे दिखाते हैं, ये दिखा रहा है जंप करके. ठीक है, नेक्स्ट इज बल्ब. बल्ब का सिंबल ऐसा भी है, ऐसा भी है. ठीक है, नेक्स्ट इज डीसी मोटर.